व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 4 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर 5000 रुपीज। तो अगर आप 5000 रुपए के अंदर एक बेस्ट प्रीमियम स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो जिसकी बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी और फीचर वाइज भी एकदम टॉप नॉच हो, तो इस लिस्ट के अंदर आपको काफी अच्छी स्मार्ट वॉच मिल जाएंगी जिनमें आपको 60 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है एंड साथ में कॉलिंग प्लस इनबिल्ट सैटेलाइट जीपीएस मिल जाएगा और इसके अलावा एक बड़ी बैटरी भी होगी एंड उस बैटरी को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा एंड और भी बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे इन सभी वॉचेज में। तो बस यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे समझकर अपने एक बेस्ट वॉच चूज कर सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस शुरू करते हैं पहले नॉन कॉलिंग वॉचेस से। जो फर्स्ट वॉच है वो आती है क्रॉसबीट की तरफ से, क्रॉसबीट प्रिज्म। एंड बात करो इसकी फिजिकल ओवरव्यू की तो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और साथ में 22mm के सिलिकॉन के स्ट्रैप्स यूज किए हैं और स्ट्रैप्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ स्ट्रैप्स के ऊपर आपको लेदर की फिनिशिंग मिलती है और नीचे आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिल जाते हैं जिससे स्ट्रैप्स देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। बाकी डिस्प्ले की बात करो तो इसमें आपको 1.3 इंच की सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले मिलती है जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 390x390 पिक्सल का है एंड साथ में 99.5% कलर गैमट भी दे रखा है जिससे डिस्प्ले में कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले काफी शार्प भी है। एंड इसके अलावा डिस्प्ले है वो भी बहुत ब्राइट है, इसमें आपको 600 की ब्राइटनेस मिल जाती है तो बाहर साइलेंट भी इसकी डिस्प्ले जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजुअल हो जाएगी एंड साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड रेस्ट हुए गेस्चर भी दे रखा है। और नेक्स्ट बात सेंसर्स की तो इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर भी दे रखा है एंड साथ में AI बेस्ड हेल्थ ट्रैकिंग भी मिलती है जिससे जो सेंसर्स की एक्यूरेसी है और भी एक्यूरेट देखने को मिलती है। बाकी बात हुई फीचर्स की तो इसमें आपको स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंटिंग, ब्रीथिंग इन 14 स्पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड साथ में बेसिक फीचर्स की बात हो तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, वेदर, 100+ वॉचेस जैसे बेसिक फीचर मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको हिंदी का भी सपोर्ट मिलता है तो वॉच की पूरी UI आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो। बाकी बात हो नोटिफिकेशंस की तो सभी तरह के मैसेज वॉच पे रिसीव कर पाओगे एंड साथ में वाटरप्रूफ फिनिश में IP68 रेटिंग मिल जाती है। एंड बात हो बैटरी की तो यहाँ पर आपको नॉर्मल यूज पे 7 डेज का बैटरी का मिल जाता है और हैवी यूज करो तो इसमें 2-3 दिन का बैटरी का मिल जाएगा। बाकी बात तो प्राइस की तो 4000 रुपए की मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर। तो अब चलते हैं नंबर 2 पे, वो आती है OnePlus तरफ से, OnePlus Nord। एंड गाइस इस वॉच की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर आपको फुली मेटालिक बॉडी मिलती है जो आती है जिंक अलॉय के साथ और इसके अलावा जो स्ट्रैप्स और 22mm के सिलिकॉन के स्ट्रैप्स यूज किए हैं एंड स्ट्रैप्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और स्ट्रैप्स के ऊपर जो डिजाइन है वो भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है। एंड गाइस इसमें आपको वाटरप्रूफ के लिए IP68 रेटिंग मिल जाती है तो पानी वगैरह से कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी डिस्प्ले की बात करो तो इसमें आपको 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 368x448 पिक्सल का है एंड साथ में 60Hz का रिफ्रेश रेट भी दे रखा है जिससे आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। और इसके अलावा डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, इसमें आपको 500 इसकी ब्राइटनेस मिलती है तो इंडोर है या आउटडोर इसकी डिस्प्ले आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से विजुअल हो जाएगी। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है, इनको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देना चाहिए था जो कि इस वॉच में मिसिंग है। और नेक्स्ट बात हेल्थ फीचर्स की तो इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग सेंसर भी दे रखा है और सबसे अच्छी बात इसमें आपको 1 टैप मेजरिंग का फीचर दिया है जहां आप 1 टैप में 3 पैरामीटर मेजर कर सकते हो और जो सेंसर की एक्यूरेसी है वो भी काफी अच्छी मिलती है प्लस डिटेल में आपको सभी सेंसर का डाटा शो करता है। बाकी बात करो उसके फीचर्स की तो इसमें आपको स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटिंग, ब्रीदिंग, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग, 100+ वर्कआउट मोड मिल जाते हैं और आप जब भी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे ऑटोमेटिक पता कर लेगा जिससे आपकी एक्यूरेसी और भी अच्छी मिलेगी। एंड इसके अलावा बात करो बेसिक फीचर्स की तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, वेदर, कैलकुलेटर, कैलेंडर जैसे बेसिक फीचर मिल जाते हैं और साथ में इसमें आपको 100+ वॉचेस मिल जाती है और इवन आप एनिमेटेड वॉचेस भी ला सकते हो लेकिन इसमें आपको कस्टम वॉचेस का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी बात करो नोटिफिकेशंस की तो सभी तरह के मैसेज वॉच पे रिसीव कर पाओगे और कितना ही बड़ा मैसेज क्यों ना हो आप वॉच पे रीड कर सकते हो। एंड बात करो बैटरी की तो यहाँ पर आपको नॉर्मल उस पर 10 डेज का बैटरी कब मिल जाता है एंड हैवी यूज करो तो इसमें वो 4-5 दिन का बैटरी कब मिल जाएगा। बाकी बात तो प्राइस की तो 5000 रुपए की मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर। तो बात करते हैं कॉलिंग फीचर वॉचेस की एंड इसमें जो फर्स्ट वॉच है वो आती है फायरबोल्ट तरफ से, फायरबोल्ट ऑलमाइटी SE। एंड गाइस वॉच को देख सकते हो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है, यहाँ पर आपको पूरी मेटालिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है एंड साथ में जो स्ट्रैप्स हैं वो भी आपको मेटल बॉडी के मिलते हैं और अगर आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स लगाने हो तो आप स्ट्रैप्स को चेंज भी कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले की बात करो तो इसमें आपको 1.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और साइज की डिस्प्ले कर्व भी है जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स भी बहुत स्मूथ है और जो डिस्प्ले का पिक्सल रेजोल्यूशन है 454x454 पिक्सल का मिलता है तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, कलर्स वगैरह काफी अच्छे निकल के आते हैं और डिस्प्ले बहुत शार्प भी है। एंड इसके अलावा डिस्प्ले बहुत ब्राइट भी है तो आउटडोर इंडोर इसकी डिस्प्ले जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजुअल आती है एंड साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड रेस्ट हुए गेस्चर भी दे रखा है तो डिस्प्ले पार्ट बहुत ही अमेजिंग है इस वॉच का। और नेक्स्ट बात करो सेंसर्स की तो यहाँ पर आपको HR सेंसर, SPO2, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग सेंसर मिल जाता है एंड जो सेंसर्स की एक्यूरेसी है वो भी बहुत तगड़ी है, काफी क्लोज रीडिंग देखने को मिलती है ऑक्सीमीटर से। और इसके अलावा वाटरप्रूफ की बात करो तो इसमें आपको IP67 रेटिंग मिल जाती है तो पानी से कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
बाकी बात और फीचर्स की तो इसमें आपको स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटिंग, ब्रीदिंग, फीमेल हेड ट्रैकिंग, मल्टीपल स्पोर्ट मिल जाते हैं और साथ में इसमें आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है। एंड जो क्वालिटी है माइक्रोफोन की वो भी काफी अमेजिंग है, वॉइस का ट्रांसमिशन काफी अच्छा है और स्पीकर ही बहुत लाउड है, लेकिन जब भी कॉल आई तो वॉच रिंग नहीं करती है। एंड इसके अलावा बात करूँ बेसिक फीचर्स की तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, वेदर, 100+ वॉच फेस जैसे बेसिक फीचर मिल जाते हैं। एंड साथ में नोटिफिकेशन की बात करूँ सभी तरह के मैसेज भी आप वॉच पे रीड कर पाओगे। और रही बात बैटरी की तो इसमें आपको नॉर्मल इस पर 10 डेज का बैटरी कब मिल जाता है एंड विद कॉलिंग इसमें आपको 2-3 दिन का बैटरी कब मिल जाएगा। बाकी बात करूँ प्राइस तो 4000 रुपए की मिल जाएगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अब से नंबर 2 पे वो आते हैं रियलमी की तरफ से रियलमी वॉच 3 प्रो। एंड गाइस ये 5000 रुपए में आने वाली अभी तक की सबसे बढ़िया वॉच है क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट जीपीएस, एमोलेड डिस्प्ले, कॉलिंग फीचर एंड और भी बहुत सारे तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं। बस इसकी बिल्ड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट की मिलती है और साथ में 22mm के सिलिकॉन के स्ट्रैप्स यूज किए हैं और स्ट्रैप्स की क्वालिटी अच्छी है, उन्हें आप रिप्लेस भी कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले की बात करो तो इसमें आपको 1.7 इंच की 60Hz की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिस्प्ले काफी शार्प है और कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे से पॉप आउट होकर आते हैं। और इसके अलावा डिस्प्ले ब्राइटनेस बहुत है, इसमें आपको 500 की ब्राइटनेस मिलती है तो आउटडोर इंडोर की डिस्प्ले आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से विजुअल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट बात करूं सेंसर्स की तो इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, एस्पेक्ट मॉनिटरिंग, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग सेंसर मिल जाता है और जो सेंसर्स की एक्यूरेसी है वो भी काफी बढ़िया है। बाकी बात करूं फीचर्स की तो इसमें आपको स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटिंग, ब्रीदिंग, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग 110 के आसपास स्पोर्ट मिल जाते हैं और साथ में इसमें आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है। जो वॉइस ट्रांसमिशन है काफी अमेजिंग है एंड स्पीकर भी काफी लाउड है, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर आवाज सुनने को मिलती है। और इसके अलावा इसमें आपको मल्टी सैटेलाइट जीपीएस भी प्रोवाइड किया है एंड एक्यूरेसी भी काफी अमेजिंग निकल के आती है। बाकी बात करूं बेसिक फीचर्स की तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, वेदर जैसे बेसिक फीचर मिल जाते हैं एंड साथ में यहाँ पर आपको 100% वॉचेस मिल जाती हैं और इवन आप कस्टम वॉचेस भी ला सकते हो। और रही बात नोटिफिकेशंस की तो सभी तरह के मैसेज वॉच पर रिसीव कर पाओगे एंड अराउंड 20-25 वर्ड के मैसेज आप वॉच पर डायरेक्टली रीड भी कर सकते हो और साथ में वाटर प्रूफ के लिए इसमें IP68 रेटिंग मिल जाती है। एंड नेक्स्ट बात बैटरी की तो यहाँ पर आपको नॉर्मल इस पर 10 डेज का बैटरी कम मिल जाता है और अगर कॉलिंग और जीपीएस यूज करो तो इसमें 2-3 दिन का बैटरी कम मिल जाएगा। बाकी बात तो प्राइस 5000 रुपए की मिल जाएगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो गाइस ये थी टॉप 4 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस जिन्हें आप परचेज कर सकते हो और ये सारी वॉचेस अपने आप में परफेक्ट हैं, बट फिर भी अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो नॉन कॉलिंग वॉच में OnePlus Nord बेस्ट वॉच है क्योंकि इसकी UI, डिस्प्ले क्वालिटी और सेंसर्स काफी बढ़िया हैं। एंड राउंड डायल में नॉन कॉलिंग वॉच चाहिए तो क्रॉसबी जा सकते हो एंड इसके अलावा क्लासिक लुक के साथ कॉलिंग वॉच चाहिए तो फायरबोल्ट बेस्ट रहेगी। और अगर आपको कॉलिंग और जीपीएस दोनों साथ में चाहिए तो रियलमी नोट आउट काफी अच्छी वॉच है। बाकी अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड कौन सी वॉच आप बाय करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।